वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज 11 मार्च शाम के 5 बजे मैं लाल किले के अगे खड़ा। यो लाल किला है जिसन सिख जरनैलों ने जस्सा सिंह आलूवालिया जी, जस्सा सिंह रामगढ़िया जी, तारा सिंह केबा सिंह जी, महा सिंह शुकर चक्किया जी और बाबा बघेल सिंह ने फतेह किया। फुल मिठाई, मोरी गेट, 30,000 इतिहास थोड़े तो सामने लैके आए। ये पहली दफ़ा इतिहास 2014, 2015, 16, 17, 18 तक इतने मनाया गया। आज दे दिन तुसी देख सकते हो कि मैदान खाली पए ने, कित्थे इत्थे खालसाई फौजां जिहड़ियां सीगियां, हज़ारों निहंग सिंह जथेबंदियां, और इत्थे असी किस तरीके नाल, किस शानो शौकत दे नाल उह समां बंधे हुंदे सीगे जिहड़ा समां 1783 दे विच साडे जरनैलां ने बनिया सीगा। लेकिन अफसोस अज असी ना 2019 च मना सके, ना 2020 च मना सके, और अज 2021 अज दे दिन भी तुसी देखदे हो इत्थे शांति है। मैं समझदा अपना इतिहास याद रखना बड़ा लाजमी है, अपना इतिहास दुनिया तक लियाना बड़ा लाजमी है। तुहाडे सहयोग नाल, गुरु की बख्शी हुई आशीर्वाद दे नाल असी ओ इतिहास जीवित किया। लोगों नूं शायद लगता है कि लाल किले तो डर लगता होना है, अ लाल किला जिथे गवाह है गुरु तेग बहादुर पातशाह की शहादत के हुक्म का, बाबा बंदा सिंह बहादुर के जरनैलों की हुक्म का। लाल किला उस शहर के मौजूद है जिथे 5,000 सिखा के गल च टैर पा के साड़े गए सी। जे ये अपनी सीना तार के खड़ा है तो अज गुरु के सिख भी इतने सीना तार के खड़े है। असी इस जगह के उत्ते 5 साल मनाते रहे हैं। मैं समझदा कि अज के दिन इतने कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर किया जाना चाहिए सीगा, कोई गल नहीं, लेकिन ये याद रखियो ये इतिहास में छुपन नहीं देंगे। इतने दोबारा उस तरीके निशान झूलन, गुरु के निशान झूलन, गुरु के शब्द का गायन होएगा। इतने निहंग सिंह फौजा आके अपना जालो जलाल दिखाएगियां और इस जगह पर आके याद करावे अंदर के इतिहास में कि 1783 के केसरी निशान इस जगह पर झूलिया जितों प्रधानमंत्री बोलता है। सभा आ दौ तुहाडे सामने उही माहौल इत्थे एक बार फिर बनावांगे और इत्थे भी जकारे छुट्टणगे चढ़दी कला दे, पंथ दे, गुरु दे जकारियां दी गूंजा दे विच अपना इतिहास याद करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।